सरोकार। अनिल एंटनी ने थामा बीजेपी का दामन। अनिल बोले, अब एक परिवार के लिए काम नहीं करना। पिता ने कहा बेटे को, बेटे ने हर्ट किया। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल को नहीं मिली राहत। सदन की सदस्यता से निलंबन की अवधि बढ़ाई गई। कानपुर में अधिवक्ताओं की हड़ताल पर नोटिस जारी। कोर्ट ने कामकाज शुरू करने के दिए निर्देश। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा झूठे आरोप लगा, बार बार गलती कर रहे राहुल। 24 घंटे में कोरोना के 5,335 नए केस। 13 मौतें। आईआईटी कानपुर के सीनियर साइंटिस्ट बोले मई से रोजाना आ सकते हैं 20,000 केस। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर, जहां कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने केरल भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन की मौजूदगी में उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई है। वही ज्वाइनिंग के बाद अनिल एंटनी ने कहा मुझे एक खास परिवार के लिए नहीं, आम लोगों के लिए काम करना है। अगले 25 सालों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के पीएम मोदी के लक्ष्य को पूरा करने का काम करना है। खबर अमरोहा से है, जहां कलेक्ट्रेट में आज डीएम ने वीके त्रिपाठी के द्वारा जिला नगरीय विकास अभिकरण के समस्त स्टाफ को डूडा द्वारा संचालित समस्त योजनाओं में प्रदेश में प्रथम रैंक प्राप्त हुई है। वह इस मौके पर प्रशस्ति पत्र दिए गए। इस मौके पर प्रभारी परियोजना अधिकारी अशोक कुमार शर्मा, सिटी मिशन मैनेजर सुरेंद्र कुमार दुबे, सामुदायिक आयोजक विशाल गर्ग आदि को प्रमाण पत्र दिए गए। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां एसडीएम ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। ये निरीक्षण डीएम अविनाश सिंह के आदेश पर अपर जिलाधिकारी सदानंद गुप्ता द्वारा ज्योतिबा फुले संयुक्त जिला चिकित्सालय का किया गया है। वही निरीक्षण के दौरान मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ओम प्रकाश उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान दो डॉक्टर अनुपस्थित भी पाए गए, जबकि अनुपस्थित डॉक्टरों के खिलाफ तत्काल स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश दिया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने मौके पर उपस्थित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश देते हुए कहा कि अस्पताल की समस्त व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। यदि कहीं लापरवाही पाई गई तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अपर जिलाधिकारी और साथ ही तहसीलदार साहब, हमारे पास डीआईओ साहब और साथ ही साथ जो है यहाँ के सीएमएस साहब, सभी लोग थे। हम लोगों ने आज प्रयास किया है कि अस्पताल के सभी आस्पेक्ट को जांच किया जाए, जैसे फार्मेसी का जांच किया हम लोगों ने, पैथोलॉजी का जांच किया, जो एक लेबोरेटरी विंग है उसकी अलग जांच किया गया, जो उपचार के बाद लोग हैं उनकी जांच की गई, और इसके साथ साथ ये पाया गया कि क्या क्या कमियां हैं। जैसे यहाँ कमियों को मैं बताऊं तो कुछ दवाइयां हैं जो ये बाहर से मंगाते हैं, यहाँ डिजिटल एक्सरे मशीन है लेकिन उसकी फिल्म की उपलब्धता नहीं है। देवरिया में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों द्वारा मंडल के एक बूथ अध्यक्ष के घर की दीवार पर एक बार फिर से भाजपा सरकार का लेखन लिखा गया था, जिसके तहत भाजपा जिलाध्यक्ष अंतर्यामी सिंह ने बैतालपुर मंडल के बूथ संख्या 161 पर और देवरिया नगर मंडल के राम गुलाल टोला के बूथ संख्या 197 पर मंडल अध्यक्ष संजय पांडे के साथ सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी, निवर्तमान उपाध्यक्ष अलका सिंह, मीडिया प्रभारी अंबिकेश पांडे, बूथ अध्यक्ष अंकिता वर्मा ने दीवार पर लेखन किया है। देवरिया में नगर विकास विभाग की 8,754 करोड़ रुपए की कुल 2,042 परियोजनाओं का सीएम योगी ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान डीएम ने कहा कि नगरीय क्षेत्र के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। इसके साथ ही डीएम ने संचारी रोग नियंत्रण हेतु जागरूकता रैली को रवाना किया। वही कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जलकल कार्यालय स्थित सभा कक्ष में किया गया, जिसे जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह समेत विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों ने देखा है।
अप्रैल माह में संचारी रोग को रोकने के लिए अभियान चलता है, उसी क्रम में जलकल परिसर नगर पालिका परिषद देवरिया में एक फ्लैग ऑफ किया गया था वाहनों का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, साफ सफाई के लिए। संचारी रोग का मौसम बाद में आता है तो उससे अब अभी साफ सफाई रखेंगे तो भविष्य में हमें सुविधा होगी। उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लखनऊ में जो जलकल कुछ परियोजनाएँ और उसके अलावा नगर विकास की परियोजनाओं का प्रदेशव्यापी करीब 8,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। खबर फरीदाबाद से है, जहां अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर आज डीसी विक्रम यादव ने तिगाव अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने तिगाव की तहसील में आ रही परेशानियों के समाधान को लेकर निर्देश दिए। वही डीसी विक्रम यादव ने तहसील में इंटरनेट की सुविधा के लिए BSNL को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा बिजली विभाग से भी बिजली की समस्या दूर करने को कहा। वहीं किसानों की तरफ से मांग की गई कि उनके गेहूं में बारिश की वजह से चबक कम हो गई है, जिसकी वजह से खरीद एजेंसियां बानाकानी कर रही हैं। इस पर डीसी विक्रम यादव ने उच्च अधिकारियों से बातचीत कर समाधान निकालने की भी अब बात कही है। बिजली का थोड़ा इशू था, वो ऐसी साबुन के लिए बिजली का भी सर, जिस तरीके से मॉइस्चर की जो समस्या आ रही है, क्या लगता है कब तक खरीदा जाएगा? क्योंकि अभी तक जो मंडियां हैं फरीदाबाद की, अभी तक कोई गेहूँ खरीदा नहीं जाएगा। अब जैसा कि जैसे धूप आई है अब एक आध दिनों से, तो आशा यही है कि आगे भी मौसम दिखा रहा है कि बारिश का नहीं दिखा रहा अभी जो फोरकास्ट भी है, तो धूप अगर रहती है तो जल्दी सूख जाएगा और मॉइस्चर लिमिट में आते ही वो शुरू करेंगे। किसान मंडी लेकर पहुंच रहे हैं गेहूँ को, क्या अपील करेंगे उनसे कि वो पहले से सुखा कर लाएं या फिर यहाँ परेशान होते हैं दो दो दिन पड़े रहते हैं? तो बिल्कुल ही, क्योंकि मॉइस्चर। खबर फरीदाबाद से है, जहां ऑपरेशन मुस्कान के तहत स्टेट क्राइम शक्ति वाहिनी और जिला बाल संरक्षण इकाई ने मिलकर भीख मांगने वाले नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया है। बता दें कि हरियाणा में 1 अप्रैल से लेकर 31 अप्रैल तक ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा था, जिसके तहत फरीदाबाद स्टेट क्राइम की टीम ने आज शक्ति वाहिनी और जिला बाल संरक्षण की टीम के साथ मिलकर नेशनल हाईवे नंबर 19 पर स्थित नीलम चौक पर भीख मांगने वाले 6 बच्चों का रेस्क्यू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य पिछड़ों को अपनों से मिलाकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाना है, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन मुस्कान रखा गया है। अच्छा, क्या मुहिम के तहत ये बच्चे पकड़े गए हैं? ऑपरेशन मुस्कान के मुहिम के तहत। अच्छा, भीख मांग रहे थे, क्या 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 कार्रवाई बनती है, क्या करेंगे अभी आप? अगर इनके माँ बाप की संलिप्तता पाई जाती है भीख मंगवाने में, तो उन पे कार्रवाई बनती है? हाँ, बनती तो है, फिर उसके बाद वो ऑर्डर करेंगे FIR के लिए CWC, तो फिर FIR करेंगे, फिर उसके मम्मी पापा को कार्रवाई। थैंक यू। मुस्कान चला हुआ है हरियाणा में, जो हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस की तरफ से चला हुआ है, तो उसमें जैसे नाम से पता लग रहा है मुस्कान, परिवार के चेहरे हमें मुस्कान लानी है। तो मुस्कान किस तरह से जो बच्चे बाल मजदूरी में काम कर रहे हैं, जो बच्चे बैगिंग में काम कर रहे हैं, उनको रेस्क्यू करना है, उनकी तह तक जाना है, जिनसे भीख इसके माध्यम से मंगवाई जा रही है, किसे बाल मजदूरी करवाई जा रही है, और जो बच्चे मिसिंग हैं उनको घर पहुंचाना है। ये इस ऑपरेशन का असली मेन उद्देश्य है। तो कब से कब तक चलेगा ये? ये जो ऑपरेशन मुस्कान है, ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। गाजियाबाद में लोगों की सुबह गोली की आवाज से हुई, यहां बीकॉम की छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं हत्या करने वाले युवक ने भी जहर खाकर अपनी जान दे दी है और गोली चलने की सूचना पाकर पहुंचे पुलिस ने युवक को पकड़कर हथियार भी बरामद कर लिया था, लेकिन जहर खाने के कारण युवक की हालत गंभीर थी, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ पर युवक ने भी दम तोड़ दिया। थाना नंदगाम क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा एक लड़की को गोली मारकर हत्या की गई। अभियुक्त द्वारा लड़की को गोली मारने के पश्चात स्वयं जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया गया। पुलिस मौके पर गई, घटना को अटेंड किया और पीड़िता व अभियुक्त दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया था। अभियुक्त की हालत गंभीर हो गई, जिसे उसे दिल्ली रेफर किया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
गाजियाबाद के वैशाली क्षेत्र में हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के दौरान तमाम हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हुए, जिन्होंने बढ़ चढ़कर यात्रा में अपना योगदान दिया और साथ ही सकुशल यात्रा संपन्न भी हुई है। हालांकि इस यात्रा के दौरान भारी पुलिस बल नजर आया, वहीं जब हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू से बात की तो उन्होंने बताया कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और जैसे कि आज हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से हिंदू शेर सेना की तरफ से मनाया जा रहा है, जिसमें तमाम प्रोटोकॉल और यातायात सभी व्यवस्थाओं पर उनकी नजर भी बनी हुई है। हमारे लिए बहुत हर्ष का दिन है, हर्षोल्लास का दिन है। आज हमारे आराध्य श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव है, जिसको यहाँ सब आप देख रहे हैं, सभी भक्त बहुत धूमधाम से मना रहे हैं अपने भगवान का जन्मदिन। परमिशन में दिक्कत हुई और प्रशासन की थोड़ी ठीक भी है, चिंता भी है कि जिस तरीके से अभी पिछले साल कुछ बवाल हुआ था और इधर अभी बिहार और बंगाल में बवाल हुआ है, उसको देखते हुए प्रशासन यहाँ की पूरी तैयारी है और हमारी यात्रा शांति। जिंदगी की रफ्तार के बीच सड़क हादसों में तेजी आई है, घायल और मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं एक ऐसी घटना सामने आई है हरदोई से, जहां तेज गति से आ रही कार ने दवा लेने आई महिला को सामने से टक्कर मार दी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई और महिला की गोद में मासूम बच्चा उछलकर दूर जा गिरा। वहीं मासूम बच्चे के सिर से माँ का साया उठ गया। इस घटना से महिला के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अस्पताल की तरफ जा रही थी तो एक अज्ञात वाहन से टक्कर लग जाने के कारण उसको चोट लग गई, तत्काल उसे सीएससी ले जाया गया, वहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। इनका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और इसमें विधिक निस्तारण किया जाएगा। कुछ घायल भी है सर क्या? नहीं, अभी घायल होने की सूचना नहीं है। कानपुर में अधिवक्ताओं की 25 मार्च से हड़ताल लगातार चल रही है, वहीं अब हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर तिवाकर की 7 सदस्यीय खंडपीठ ने बार और लॉयर्स के अध्यक्ष और महामंत्री को कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं। साथ ही अवमानना की कार्रवाई से बचने के लिए अधिवक्ताओं को तुरंत फिर से कामकाज शुरू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हड़ताल खत्म करवाने के लिए मुख्य न्यायाधीश और कानपुर न्यायिक जिला प्रशासन ने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मामले को हल कराने का भी प्रयास किया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। पहले वकील जिला जज की कोर्ट का बहिष्कार कर रहे थे, बाद में संपूर्ण न्यायिक कार्य बहिष्कार कर दिया। हमने बार कानपुर और लॉयर्स एसोसिएशन कानपुर के अध्यक्ष, महामंत्री और सभी पदाधिकारियों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का तामीला करवा दिया है। साथ ही हमने उनके नोटिस बोर्ड पर भी यह आदेश लगा दिया है और मीडिया के माध्यम से भी हमने उनको अवगत करा दिया है। हमने उनको व्हाट्सएप पे भी बता दिया है, वो सूचित हो गए हैं और माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन, जैसा कि माननीय न्यायालय ने अपेक्षा की आदेश दिया है, वो लोग करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। खबर कानपुर से है, जहां पांडव नदी के ऊपर बना पुल अब जर्जर हो गया है। इस पुल को 2006 में क्षेत्रीय लोगों ने बनवाया था, तब 4 लाख की लागत से 72 कुंटल लोहे से इस पुल का निर्माण किया गया था। लगभग इस पुल को बनने 18 साल हो चुके हैं, अब पुल की हालत खराब हो चुकी है। पुल में लगी लोहे की चादर कई जगह गल चुकी है, वहीं कई जगहों से वो चादर टूट भी चुकी है, कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, लेकिन लोग अभी भी इस पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी जान को जोखिम में डालकर अभी भी हजारों लोग रोजाना इस पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ना तो जनप्रतिनिधि और ना ही प्रशासनिक अमला इस ओर ध्यान दे रहे हैं। जब कोई बड़ा हादसा होगा तब अधिकारियों की नजर शायद इस ओर पड़ ही जाएगी। कानपुर के हम जिस गांव में खड़े हुए हैं, मर्दनपुर गांव है, अगर देखा है तो यहां पे गोविंदा विधानसभा और बिठूर विधानसभा जो है, यहां दो विधानसभाओं के बीच में जो देखा है तो लोहे का जो जर्जर पुल है, ये पूरी तरीके से जो पुल बना हुआ है देखा है तो, यहां पे लोग लगभग देखा है 10 से 15 गाँव जो हैं वो लगभग यहाँ से निकलते हैं और इस पुल की हालत देखिए किस तरीके से। अगर और बात रही इस पुल की, इस पुल जो ये पुल बना हुआ है, ये पुल कोई सरकारी खर्चे पर नहीं बना हुआ है, यहाँ पर लोगों के जो पैसे हैं। इसकी इस पुल को 2006 में बनाया गया था, आसपास से गांव के लोग जो मिल के इसमें चंदा करके इस पुल को लगभग देखा है तो 6 लाख रुपए में इसको पुल को बनाया गया। इस पुल का
का जो वेट है वो पूरा 72 किलो का वेट है। और उसके बाद देखा जाए तो पूरी तरीके से जो पुल पूरी तरीके से जर्जर है और यहाँ पे लोग आम जनमानस जो है पूरी तरीके से यहाँ निकलता है। और जो स्कूल के आसपास के जो 6 बच्चे नौनिहाल बच्चे हैं वो भी इसी पुल से निकलते हैं। और देखने वाली बात यह कि अगर सरकार जो दावे बड़े बड़े ठोकती है कि कानपुर स्मार्ट सिटी है, पर कहने को स्मार्ट सिटी रह गई है। और देखना जल्दी है कि इस पुल को लेकर के जो है इस टाइम देखा जाए तो वर्तमान समय के जो यहाँ के जो प्रधान हैं और जो यहाँ के चेयरमैन हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, उनको लगातार जो है लिखित रूप से सूचना देने के बावजूद भी इस पर किसी प्रकार कोई कार्रवाई नगर निगम PWD करने को तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन हिमांशु साथ, उपेंद्र अस्थाना, कानपुर। प्रयागराज में बंधवा स्थित लेटे बड़े हनुमान मंदिर में महाआरती कर भव्य तरीके से हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया और हनुमान जन्मोत्सव पर महाआरती कर प्रदेश और देश की मंगल कामना की। बता दें कि आगामी 2025 में होने वाले महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए अनुष्ठान किया गया। तो वहीं नवरात्रि के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा मंदिरों में कराए गए रामचरित मानस के पाठ का महंत बालवीर गिरी ने स्वागत किया है। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दनुजवन कृषानुज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निदानम वानराणामधीशम रघुपति प्रभक्तम वात जातम नमामि। देखिए आज का जो दिवस है तीर्थराज प्रयाग के लिए ने अपितु संपूर्ण विश्व के लिए एक वरदान दिवस के रूप में है। आज सृष्टि पर ऐसे देवत्व ने अवतार लिया कि जो सबके लिए कुछ न कुछ तरह जिस रूप में भी देखना चाहें, सेवक रूप से देख लीजिए आप, बलवान रूप में देखिए, बुद्धिमान रूप में देखिए, दयावान रूप में देखिए, करुणा रूप में देखिए, हर तरीके से वो हमारे लिए कुछ न कुछ प्रतीक चिन्ह देख गए। हमारे लिए उनका चरित्र चित्रण अपने आप में अकल्पनीय है। हनुमान जी महाराज का ये बहुत श्रेष्ठ कदम मैं समझता हूँ। ऐसे कदम तो ये सनातन धर्म का ही देश है, ये हिंदू का देश है ये। तो इस देश में अगर सनातन संस्कृति की हम व्याख्या नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे कार्यक्रम नहीं करेंगे, तो इसकी संस्कृति हम कैसे दिखा सकते हैं किसी को। आज देख रहे हैं हम दुनिया में कई देश हैं, इस्लामिक देश हैं, ईसाइयों के देश हैं, लेकिन हिंदू कहीं भी नहीं। और भारत में 100 करोड़ की जनसंख्या के बावजूद भी सनातन धर्म के कोई कार्यक्रम करते तो उसमें भी हमारे अंदर हिचक रहती कि ये कार्यक्रम कैसे किए जाएँ। मैं समझता हूँ इस तरह के फैसले लेने ये बड़े सौभाग्यशाली हम उत्तर प्रदेश वाले या भारतवर्ष वाले कि जहाँ ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं जो सनातन संस्कृति के बारे में सोच रहे हैं, समझ भी रहे हैं। सहारनपुर में पुलिस एक्टिव मोड में दिख रही है, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। यहाँ युवक को तमंचे से फायरिंग कर वीडियो अपलोड करना भारी पड़ गया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ था। युवक का फायरिंग वीडियो देख पुलिस ने युवक को गिरफ्तार भी अब कर लिया है। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जहां युवक तमंचे से फायरिंग कर रहा है, वहीं अब इस युवक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इस वीडियो पर एक्शन लेते हुए आरोपी युवक को आखिरकार गिरफ्तार किया है। लखनऊ के हजरतगंज स्थित झलकारी बाई महिला अस्पताल में जांच के लिए अब महिलाओं को लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। बता दें कि महिलाओं की सुविधा के लिए झलकारी बाई अस्पताल में एक हेल्थ एटीएम लगाया गया है, जिसके जरिए करीब 30 तरह की जांचें हो सकेंगी और महिलाएं घर पर बैठे ही अब रिपोर्ट भी प्राप्त कर सकती हैं, जैसे कि ECG, शुगर टेस्ट, ब्लड टेस्ट के साथ फुल बॉडी चेकअप, गर्भावस्था की जांच के साथ बॉडी मास इंडेक्स, वही मेटाबॉलिक एज, वही बॉडी फैट, डिहाइड्रेशन, पल्स रेट आदि की जांच करा सकेंगे। इसमें पैथोलॉजी टेस्ट भी हो सकेंगे, जिसमें ग्लूकोज, मलेरिया की जांचें भी अब की जा सकेंगी। महिलाओं को अब सरकारी अस्पताल में जांच के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। झलकारी बाई अस्पताल में रिपोर्ट जांच के लिए एक हेल्थ ATM मशीन लगाई गई है, जिससे कुल 30 प्रकार की जांचें हो सकती हैं और महिलाएं अपनी जांच मोबाइल पर घर बैठे प्राप्त भी कर सकती हैं। इस हेल्थ ATM मशीन द्वारा डॉक्टर से भी कंसल्ट किया जा सकता है। घर बैठे मोबाइल पर रिपोर्ट पाने के लिए एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और जांच के 20 मिनट के बाद ही महिलाओं को उनकी जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। ये हेल्थ ATM मशीन महिलाओं को सुविधा को ध्यान में रखते हुए अस्पताल प्रशासन ने लगवाई है। यह एक अच्छा और बेहतरीन प्रयास है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम TV, लखनऊ। पीलीभीत में सरकार के PWD मिनिस्टर जितेंद्र प्रसाद पहुंचे और जहां उन्होंने जिले को कई सौगातें दी हैं। बता दें कि ग्राम ललौर गुजरानपुर के पास बहने वाली देहवा नदी पर दीर्घ सेतु बन रहा है, वहीं सेतु का लोकार्पण और शिलान्यास भी लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने किया है।
जो मूल चूल परिवर्तन जीवन में लाए, जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है उसमें परिवर्तन आएगा, कि नौजवान पीढ़ी इसका लाभ उठाएगी, जिन लोगों ने कितनी कठिनाई झेली तो बुजुर्ग लोग जानते होंगे, यहाँ के जल भराव क्यों रंगरंजी, यहाँ की बाढ़, यहाँ का कटान और यहाँ के जो संघर्षपूर्ण जीवन, तो हम लोग को यहाँ बड़ा एहसान नहीं कर रहे, ये तो बात जो आप लोगों ने इतना बड़ा विशाल हृदय दिखा के 2021 में वोटों की बौछार की थी और विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे किया था, तो ये हम सब का कर्तव्य है। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर के तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।